मान लो आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना गरम खा सकता है ना ठंडा खा सकता है। उसको गरम खाने से भी परेशानी होती है और उसको ठंडा खाने से भी परेशानी होती है। जब वो कुछ गरम खा लेता है तो कई बार उसकी नाक सूखने लग जाती है, शरीर में कहीं भी जो है जलन हो सकती है, शरीर में खुजली हो सकती है, शरीर में ददौड़े हो सकते हैं या शरीर में खुजली होकर के वो दाफड़ से हो सकते हैं। और जब वो व्यक्ति उनको जब उसको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यदि वो कुछ ठंडा खाता है तो उसके साथ नई समस्या खड़ी होती है। वो समस्या ये होती है कि उसको जुखाम हो जाता है, उसके हाथ और पैर जो है ठंडे हो सकते हैं, या उसको जो है बुखार हो सकता है, या बलगम हो सकती है, कफ हो सकता है। तो ऐसी समस्याओं का जब वो सामना करने लगता है, या कभी वो अच्छा गर्म शरीर था, पसीना आया हुआ था, उसमें उसने पानी पी लिया या पानी में घुस गया या अचानक से कूलर या फ्रिज के नीचे चला गया, तो उनको जो है गर्म सर्द हो सकती है। और ये जिनको लक्षण दिखते हैं उनको भी गर्म सर्द हो सकती है। तो गर्म सर्द को जो है ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप ज़्यादा गर्म का सेवन करोगे तो आपको वो गर्मी वाली समस्या होगी, और जिस वक्त आप ज़्यादा ठंडे का सेवन करोगे तो ठंड वाली समस्या होगी। यानी गर्म सर्द, ठंडा और गर्म, जब दोनों ही चीज़ें आपको नुकसान करना शुरू कर दें तो आपको ये समस्या होती है। अब हम चलते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है वैज्ञानिक तौर पर। वैज्ञानिक तौर पर हमें आयुर्वेद के साथ चलना होगा, क्योंकि आयु का वेद जो भी चीज़ें आपकी आयु को बढ़ा सकती हैं उनकी जानकारी आपको होना ही आयुर्वेद है। तो जो आयु का वेद है, जो हमारा आयुर्वेद है, उसके अंदर तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात होती है उसका अपना टेम्परेचर नहीं होता, जो कफ होती है वो ठंडी होती है, और जो पित्त होती है वो गर्म होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमें अगर गर्म सर्द हुआ है तो हमारा बिगड़ा है वात और पित्त, नहीं वात और कफ। अब इस वात और कफ यदि ज़्यादा हो गए हैं तो इनको बैलेंस पर लेके आने के लिए हमें क्या बढ़ाना होगा? हमें बढ़ाना होगा वात, क्योंकि जब पित्त और कफ बिगड़ते हैं तो ठंडे और गर्म की समस्या होती है। और ठंडे और गर्म की जो हमें समस्या हुई है उसको कम करने के लिए हमें वात को बढ़ाना होगा, हवा को बढ़ाना होगा शरीर में। अब यहाँ पर आप हवा को गर्म चीज़ें खा करके जो है कम करते हैं, तो यहाँ ठंडी चीज़ें खा करके हवा को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपने ठंडा खा लिया तो आपको ठंडे की समस्या होगी। तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको वो खाना चाहिए जो ठंडे को भी कम करे और गर्म को भी कम करे। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो जो छह रस आयुर्वेद में होते हैं, जैसे तीखा, मीठा, कसैला, कड़वा, कटु, तीक्ष्ण और अम्ल, ये जो छह रस होते हैं इनमें छह रसों में जो है एक तो कसैला रस आपको फायदा दे सकता है, और दूसरा कटु रस, क्यों कटु नहीं तिक्त रस। अब यहाँ तिक्त और कटु, यहाँ पे थोड़ा कटु का मतलब आप समझ लग सामान्य जीवन में जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे नीम है, करेला है, लेकिन आयुर्वेद में कड़वी चीज़ें मानी गई हैं जो तीक्ष्ण है, जैसे मिर्च हुई वो तीक्ष्ण है। तो यहाँ पर हमें तिक्त लेना है। तिक्त का मतलब आयुर्वेद ने कहा है
जो सामान्य जीवन में कड़वा होता है, जैसे नीम है और करेला है, ऐसी चीज़ें, वो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है दे सकती हैं गर्म सर्द के अंदर। और फिर कसैले क्या होती हैं, बबूल कसैली होती है और बहेड़ा कसैला होता है और जो है अर्जुन कसैला होता है। तो ये चीज़ें जो कसैले स्वाद की, जो टेस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो, और आपकी जो तिक्त होती हैं, जो तीखी चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छा लाभ दे सकती हैं। तो हमने आपको बताया कसैला क्या होता है और तिक्त क्या होता है। तो इन चीज़ों को आप सामान्य तौर पर इकट्ठा करके जो है इसको लाभ ले सकते हैं। और भी जो है गर्म सर्द में समस्याएं हो सकती हैं, जैसे 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 शाम बढ़ी तो आपको बुखार हो गया, या आपको हर 10-15 दिन में बुखार हो जाना, या फिर आपका शरीर टूटा टूटा सा रहना, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं आपके साथ तो वो जो है सीधे तौर पर ये संकेत करती हैं कि आपको गर्म सर्द है। गर्म सर्द के ये काफ़ी हद तक लक्षण उन लोगों के साथ भी जो है मैच कर जाते हैं जो लोग, जिनकी हवा बिगड़ी हुई होती है। क्योंकि जो हवा होती है उसका अपना टेम्परेचर नहीं होता, उसका अपना तापमान नहीं होता, और जिसका अपना तापमान नहीं होता वो ठंडे के साथ ठंडा और गर्म के साथ गर्म हो जाता है। इसलिए जो है आप थोड़ा सा अपने लक्षणों को जो है ध्यान से जो है आजमाएं, थोड़ा ध्यान रखें कि आपके जो लक्षण हैं वो किन से मैच करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। अब मान लो गर्म सर्द किसी मोटे व्यक्ति को हो गई, तो मोटे व्यक्ति की जो गर्म सर्द है उसको तो आप कड़ुवे के साथ कवर कर लोगे, लेकिन अगर किसी पतले व्यक्ति को हो गई तो क्या करोगे? क्योंकि यदि आप गर्म सर्द को ठीक करने के लिए मोटे व्यक्ति को कसैली चीज़ें देते हो, या आप मोटे व्यक्ति को कड़वी चीज़ें देते हो जैसे नीम, करेला, कुटकी, चिरायता आदि, तो ठीक है उसका वज़न भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि व्यक्ति बहुत कमज़ोर है और साथ में उसको गर्म सर्द है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी जानकारियों के लिए जो है आप हमसे जुड़े रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए जो हम गर्म सर्द पर बनाएंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता की।